आपके साथ अमन त्रिपाठी बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक, उद्योग और नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान, कहा दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं में नहीं बची पीएम का नैतिक विरोध करने की क्षमता। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विकास कार्य को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, पेयजल योजना को तय समय पर पूरा न होने पर जल निगम के अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS समेत 6 अफसरों का बदला गया पदभार। ठंड से कांप रहा उत्तराखंड, सुबह का कोहरा बढ़ा रहा लोगों की परेशानी, 6 जिलों में कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे का अलर्ट जारी। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने ली बैठक, सभी अधिकारी मौके पर रहे मौजूद, प्रशिक्षण अनुभाग के कार्यों की हुई समीक्षा। देहरादून में पहले के मुकाबले महिलाओं ने बनवाए ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीओ शैलेश तिवारी ने दिया बयान, कहा हमारा प्रयास महिलाएं टैक्सी भी चलाएं। हरिद्वार में किशोर के हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, अवैध संबंध और संपत्ति के लालच में की थी दोस्त की हत्या, मामले में पुलिस की जांच जारी। उधम सिंह नगर में सेक्सटॉर्शन में पुलिस ने किया भांडाफोड़, सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसाकर झूठे केस में फंसाने की दी धमकी और की रंगदारी की मांग, पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 13 रेंजों में होगी पक्षियों की गणना, 19 जनवरी से शुरू होगी गणना, विश्लेषण के बाद होगी नतीजों की घोषणा। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक ली, इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा संयुक्त मोर्चा प्रदेश अधिकारियों की बैठक हुई। बता दें कि देहरादून के एक निजी होटल में मोर्चा की बैठक की गई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, आदित्य कोठारी प्रदेश महामंत्री संगठन और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल भी मौजूद रहे, साथ ही कई पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही इस बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी के 7ों मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। बैठक में लोकसभा चुनाव में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी दिनों के अंदर 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। देखिए, इसमें मुख्य रूप से आगामी दिनों के अंदर जो हमारे पार्टी ज्वाइनिंग के विषय हैं, इसके साथ साथ प्रत्येक बूथ पर हर मोर्चे के 10 की टोली और युवा मोर्चा, जैसे युवा मोर्चा हमने कहा कि भाई बूथ पर जो है मोटरसाइकिल धारक कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करना, उनके कार्यक्रम तय करेंगे हम। 26 तारीख को तिरंगा यात्रा प्रत्येक विधानसभा के अंदर 75 मोटरसाइकिलों की यात्रा हमने निश्चित की है, जो बड़े क्षेत्र हैं वहाँ मंडल स्तर पर कार्यक्रम करेंगे। ऐसी महिला मोर्चे का तो स्वयं सहायता समूह की बहनों से संपर्क के कार्यक्रम है, ओबीसी मोर्चे का कार्यक्रम है, तो हर ओबीसी में अलग अलग जातियाँ उनके साथ उनका समन्वय स्थापित करना है। इस प्रकार कार्यक्रम की श्रृंखला हम जनवरी फरवरी माह की पूरी निर्धारित करेंगे। मोर्चा भी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारा परिपक्व हो और जो कार्यक्रम उनके
राष्ट्रीय स्तर से तय है, प्रदेश स्तर भी हम लोग कार्यक्रम देने वाले हैं, वो धरातल में उतरे, इस दृष्टि के साथ आज की बैठक होने वाली है। देखिए, भाजपा में हर बैठक हमारी महत्वपूर्ण होती है, कोई भी बैठक नहीं है, चाहे वो बूथ की बैठक हो, चाहे पन्ने की बैठक हो, और चाहे वो राष्ट्रीय बैठक हो या प्रदेश की बैठक हो या मोर्चों की बैठक हो या मेन पार्टी की बैठक हो, हर बैठक को इम्पोर्टेंस देते हुए, महत्व उसका समझते हुए हर कार्यकर्ता उसमें सहभाग करता है, और जो निर्देश पार्टी द्वारा दिए जाते हैं वो अपना भी सजेशन करता है, और जो दिए जाते हैं उसको नीचे तक कैसे लागू होगा उसका एक जो पूरा प्लानिंग है वो बैठकों में होती है, और हर व्यक्ति कार्यकर्ता जो है उस बैठक को बहुत सीरियसली लेता है। इसलिए मैं कहूँगी कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक ये है मोर्चों की। देखिए, बहुत उत्साह है, आप सभी लोग देख रहे हैं, आज यहाँ पर सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक है, जिला अध्यक्षों की बैठक है, और उत्साह आपको दिख ही रहा होगा, कितना उत्साह लोगों में है, सब कार्यकर्ताओं में है। तो इसमें हमारी जो पिछले दिनों हमने कार्यक्रम किए थे मोर्चों ने, उसकी भी चर्चा हो रही है, और आगामी जो कार्यक्रम है चुनाव की दृष्टि से भी है, 2024 का चुनाव हम सबके सामने है, तो निश्चित तौर पर उसको देखते हुए भी कार्यक्रम दिए जाने हैं, उन पे चर्चा हो रही है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेखा आर्या ने राज्य युवा महोत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से 5 से 9 जनवरी तक परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। कल से यानी कि 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नव युवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके, युवाओं को किस प्रकार से स्वरोजगार के दृष्टिकोण से भी वो किस प्रकार से समर्थवान बन सकते हैं, तो इस प्रकार के शख्सियत को भी उन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया है। और युवाओं के ऊपर ही यह इस बात की जिम्मेदारी भी है कि युवा अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति परंपराओं को लेकर कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए, वह प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके अंदर का वह जो कौशल है वह बाहर निकल के भी आता है, और हमारा यूथ युवा कल्याण विभाग मौका भी देता है। तो एक सुनहरा अवसर है जो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख में हमारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल और हमारे अन्य जो हमारे यूथ हैं वे इसमें प्रतिभाग करते हुए अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को भी बढ़ावा दे सकते हैं और साथ ही अपने करियर को भी दिशा दे सकते हैं। बाईस जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बीजेपी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। देश भर के अलग अलग जिलों में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि वे मंदिर निर्माण से खुश नहीं है, जबकि कांग्रेस समेत दूसरे दल बीजेपी पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा मंदिर और भगवान राम का सहारा लेकर राजनीति करती है। वहीं इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राम मंदिर को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उनके सपने में श्री राम आए हैं और उनको 22 जनवरी को अयोध्या में आने का निमंत्रण दिया है। हरीश रावत की लंबी चौड़ी पोस्ट ने यह जाहिर कर दिया कि अयोध्या का महाआयोजन कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के लिए राजनीतिक तौर पर कितना चिंता पैदा करने वाला है। देखिए, पूरा भारत तो राममय है और भारत तो रामभूमि है, और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को भी राम की आराधना और पूजा अर्चना करने के लिए मजबूर कर दिया है। विपक्ष भी समझ गया है कि बिना राम को माने हुए, बिना राम की स्तुति किए हुए उनका उद्धार होने वाला नहीं है। तो आज हरीश रावत जी को भी लग गया है कि बिना राम की शरण में गए हुए, बिना अयोध्या गए हुए उनके आगे का जीवन जो है सफल नहीं होने वाला है, इसलिए उनके सपने में भी राम आ रहे हैं। अभी तो हरीश रावत जी के सपने में राम आए, अभी तो कांग्रेसियों के सपनों में राम आते रहेंगे और वो इस तरीके के बयान देते रहेंगे, तो ये उनकी तुष्टिकरण की राजनीति है।
एक तरफ जो है भगवान राम को मानते नहीं है, पूजते नहीं है, दूसरी तरीके की राजनीति करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, और आज चलो इस बहाने से ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भगवान राम की याद दिला दी है, तो उनके लिए शुभकामनाएं हैं। देखिए हरीश रावत जी मुसलमानों के बीच में रहते हैं और उनकी राजनीति करते हैं, तो वो अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि मुसलमानों के पूर्वज कौन थे और क्या थे। इस सवाल का जवाब तो हरीश रावत जी अच्छा तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि वो हरिद्वार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उनको मुसलमानों की भी याद आ रही है और भगवान राम की भी याद आ रही है। लेकिन किसको साथ लेकर उनको चलना पड़ेगा ये तो भविष्य बताएगा। तो दोनों जगह पांव रख के तो चल नहीं सकते हैं, नाव तो एक ही पकड़नी पड़ेगी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर बगावत के फूल देखने को मिले, जहां हाईकमान ने इन फूलों को ज्यादा खिलने तो नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया, जहां कांग्रेसी अब भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी के विधायक दुर्गेश्वर लाल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठते ही उन्होंने वन मंत्री पर अपमानित करने का आरोप लगा दिया। इसी के साथ ही डीएफओ अभिलाष और डीएफओ कुंदन कुमार के ट्रांसफर की मांग करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लपक कर कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की तो जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल और साथ ही इस पूरे मामले की जांच की मांग की। वहीं विधायक आदेश चौहान का कहना है कि भ्रष्टाचार का ये खेल है, अगर नहीं है तो इस पूरे मामले की जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखिए आपके माध्यम से पता चला कि दुर्गेश लाल जी एक हमारे साथी विधायक हैं और उन्होंने वन मंत्री के यहाँ धरना दिया डीएफओ को लेकर। मैं दुर्गेश लाल जी से और वन मंत्री दोनों से पूछना चाहता हूँ कि अगर डीएफओ गलत है, मतलब वहाँ की जनता पर उत्पीड़न कर रहा है, तो किस तरह कर रहा है? क्या उनको गलत काम करने से रोक रहा है या उनसे गलत काम करा रहा है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और मान लिया गलत काम करने से रोक रहा है जनता को, तो मान लिया उस पर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? और हमारे जो उनका कहना है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि ये परिवार की लड़ाई है, ये परिवार की लड़ाई है तो सड़क पे क्यों आई? क्योंकि दुर्गेश लाल जी को सड़क पे धरना देना पड़ा अपने मंत्री के खिलाफ, तो ये तो जो है परिवार की लड़ाई नहीं रही, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है। और जिसे मैं समझता हूँ कि दुर्गेश लाल जी उसे खोलना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इसे मैनेजमेंट के तहत दबाने का प्रयास किया है और ये भ्रष्टाचार से जुड़ा निश्चित। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक दुर्गेश लाल प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर अक्सर विधायक और मंत्री उनके पास आते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मंत्री और विधायक से बात हुई है, सभी को कहा गया कि अनुशासन के दायरे में रहकर ही काम करें और उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर पुरुला से विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि प्रदेश की जनता ही अपनी सरकार चुनती है, जनता सर्वोपरि है, जनता के हित में ही काम करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, हमारी घर की बात है, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें, एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भाई हमें जो है मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो वही प्रकरण था। मैं माननीय मंत्री जी के पास गया, क्योंकि हमारे प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी, लेकिन चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे, लेकिन वो बात नहीं बनी, तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा, सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक। पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। पद भी पब्लिक देती है, मंत्री भी पब्लिक बनाती है, सीएम भी पब्लिक बनाती है, विधायक भी पब्लिक बनाती है, तो जनता सर्वोपरि है। जनता के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं करेंगे। अगर मुझे मंत्री जी से मिलना पड़ा, मंत्री जी के साथ मुझे रोष प्रकट करना पड़ा, वो जनता की आवाज़ थी। के दायरे में उल्लंघन, मेरा विषय क्या है
कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती है तो थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता होती है। अनुशासन का विषय नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बातचीत की है, ये अपनी मांग के दृष्टिकोण से गए, वो मांग ठीक प्रकार से माननीय मंत्री जी का आगे उन्होंने रखा है, लेकिन परिस्थिति बस ऐसा स्थिति निर्माण हुई है और दोनों ने इसके लिए खेद व्यक्त किया है और आगे इस प्रकार स्थिति न हो। कमल के फूल के बगीचे में अब बगावत के फूल भी खिलने लगे। हालांकि पार्टी के हाई कमान इन फूलों को खत्म करने में सफल तो रहे, लेकिन कांग्रेसियों ने इसे मुद्दा बना लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या फिर से कहीं कोई बगावत का फूल तो नहीं खिलेगा। जनता टीवी के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इससे पहले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर विपक्षियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, श्री राम किसी एक के नहीं, श्री राम सबके हैं। जो लोग पहले श्री राम के नाम पर गलत टिप्पणी करते थे, आज वो लोग अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के लिए लालायित हो रहे हैं। पूरे देश और दुनिया में जितने राम भक्त हैं और जो राम की मर्यादा को मानने वाले हैं, विभिन्न धर्मों के लोग भी, वो प्रसन्न चित्त हैं और एक उत्साह का वातावरण है चारों तरफ है। मैं तो उन लोगों से जो कह रहे निमंत्रण नहीं मिला है, ये कोई लड़की की शादी थोड़ी है, प्रभु आपके भी हैं, हमारे भी हैं, निमंत्रण की बात थोड़ी है। प्रसन्न होइए, जहाँ हैं इतिहास रचा जा रहे हैं वहीं से आप पूजा में ध्यानमग्न हो जाइए। उस दिन आप अगर थोड़ी बहुत योग करते हैं या फिर आसन लगाते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस दिन एक घंटा बढ़ा के लगा लीजिए प्रभु के चरणों में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।